सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज दीआं खबरां दे विच अहम है कि पंजाब दे किसान दिल्ली वल जाण दीआं तैयारियां जोरां शोरां दे नाल कर रहे ने। कल पूरे मुल्क दीआं किसान जथेबंदियां दी चंडीगढ़ दे पंजाब भवन दे विच बैठक हुई। इस बैठक दे विच किसानां ने साफ कर दिता है कि दिल्ली हर हाल दे विच असी जावांगे। सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि जिथे भी सानूं रोकण की कोशिश की गई असी उत्थे ही बैठ के शांतमई रूप दे विच धरना लावांगे अते जदों तक कानून रद्द नहीं करोंगे असी नहीं उठांगे। दिल्ली का सारा संपर्क है जिहड़ा पूरे मुल्क दे नालों तोड़ देंगे। जे तुसीं सानूं दिल्ली दे विच नहीं वड़न दोगे तो असी भी दिल्ली नाल पूरे मुल्क का संपर्क तोड़ देवांगे। किसानां ने जानकारी दित्ती है कि असी 4-5 महीने का राशन कट्ठा कर लिया तो ट्रैक्टर ट्रालियां ते चढ़ के दिल्ली नूं कूच करांगे। अज दीआं खबरां विच अहम यह भी दसांगे कि समरजीत सिंह बैंस जिहड़े कि बलात्कार के इल्जामां का सामना कर रहे ने उन्हां दी पंजाब अधिकार यात्रा भी कल चंडीगढ़ पहुँच गई। चंडीगढ़ दे विच उन्होंने विधानसभा के स्पीकर नूं 21 लाख दस्तखतां वाली पटीशन सौंपी है। मसला है पंजाब दे पाणियां दा। श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार तो एक शब्द दे लई माफ़ी मंग लई है बीजेपी दे लीडर हरजीत गरेवाल ने। चंडीगढ़ दे विच कोरोना वायरस नूं लै के कुछ नवे नियम लागू किए गए ने, नवीं पाबंदियां लाई गई ने। दिल्ली सरकार ने जिहड़ा जुर्माना है मास्क ना पाउण वालियां दा 500 तो सीधा वधा के 2000 रुपये कर दिता है। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पुत्तर रणिंदर सिंह आखिरकार ईडी सामने पेश होए ने। होर भी अहम खबरां ने पंजाब दीआं सारीआं असी तुहानूं दसांगे। हुण खबरां विस्थार दे नाल जाण लैणे आ। सब तो पहली खबर किसानां दे संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई है। पूरे देश दीआं 500 किसान जथेबंदियां ने बैठक कीती चंडीगढ़ दे विच अते ऐलान कर दिता है कि पूरे देश तो किसान 26 नवंबर नूं दिल्ली वल कूच करनगे। कूच करन दे लई 5 हाईवेज़ ने जिहड़े उन्हां दा ऐलान कर दिता है कि इन्हां 5 राहां तो असी दिल्ली नूं जावांगे। केंद्र सरकार नूं सीधा सुनेहा भेज दिता है कि तुसीं 26 नवंबर तो पहला चाहे सानूं मीटिंग लई बुलाओ ना बुलाओ, मीटिंग लई बुलाओगे तो असीं आवांगे जरूर, पर साडा दिल्ली जाण दा प्रोग्राम पक्का है। पहली मीटिंग दे विच कोई नतीजा नहीं निकलिया तो किसानां नूं पूरा पता है कि हुण भी जे मीटिंग होएगी तो उहदे विचों कोई नतीजा नहीं निकलण वाला। सो किसानां ने स्पष्ट कर दिता है कि सानूं इजाजत केंद्र सरकार दे देगी तो बहुत चंगा होगा, क्योंकि दिल्ली की जिहड़ी राजधानी है वह साडी भी है, असी भी इस मुल्क के बछिंदे हाँ ते राजधानी है जिहड़ी उहदे विच जाण दा देश दे हर नागरिक नूं हक है। जे सानूं इजाजत नहीं भी दित्ती सानूं राह दे विच रोकिया उत्थे ही असी बैठ के धरना ला देवांगे। किसानां ने कह दिता कि असी 4-5 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया, यानी कि इन्ने समय का जिहड़ा प्रबंध है वह किसान करके चले ने। किसानां ने स्पष्ट कर दिता है, हरियाणे की सरकार ने भी चेतावनी दे दी है कि सानू राह विच रोकिया ना जाए। जे रोकिया गया वह कहिंदे उत्थे ही धरना ला के दिल्ली का संपर्क सारे मुल्क नालों तोड़ देंगे। हुण जिहड़े हाईवेज़ दे राही जाना है किसानां ने, नैशनल हाईवे 1 जयपुर दिल्ली हाईवे, आगरा दिल्ली हाईवे, रोहतक हिसार दिल्ली हाईवे ते बरेली दिल्ली हाईवे। किसानां ने एक नवे मंच का ऐलान कर दिता है जिहदा नाम रख्या संयुक्त किसान मोर्चा। तो हुण किसानां दा जिहड़ा अगला अंदोलन है इस मोर्चे दे अधीन ही लड़िया जाएगा। हालांकि पंजाब दे जिहड़े किसान लीडर ने वो इस मोर्चे की अगवाई कर रहे ने। मोर्चा जिहड़ा अपना काम है अपना संघर्ष 26 नवंबर नूं शुरू करेगा असल दे विच, ते खत्म उदों होएगा ये मोर्चा जदों सरकार झुक जाऊगी ते ये कानून रद्द कर देगी। सो किसानां ने ऐलान कर दिता है कि 26 नवंबर नूं साडा मोर्चा शुरू होएगा, खत्म होने की कोई तरीक नहीं है। खत्म होने की तरीक उह दिन ही होगा जिस दिन केंद्र सरकार साढ़े कानून जिहड़े साढ़े सिर ते मड़े हैगे ने, जिहड़े साडी बर्बादी करन वाले ने, उहनां नूं रद्द करेगी। दिल्ली जाण लई 5 रस्तों असी एंटर करांगे, जे सानूं रोकिया गया तो 5 रस्ते असी ब्लॉक कर देंगे। दिल्ली नूं जांदा सारा राशन पानी असी बंद कर देंगे, ये किसानां ने चेतावनी दे दित्ती है। नाल ही कहा कि जिहड़ी पंजाब दी आर्थिक नाकाबंदी केंद्र कर रहा है मालगड्डियां रोक के, वह नाकाबंदी खोली जाए, जे खोलोगे तो ही गलबात लई राह है जिहड़ा वह सुखावां बनेगा। सो किसान लीडर जिन्हां ने कल बैठक की है उन्हां दी जुबानी असीं तुहानूं सुना दिंदे आ कि उन्होंने की फैसले लए ने। अगर सानूं दिल्ली नहीं जाण दिंदा सरकार रोकदी है, जिवें बाहरलियां स्टेटां तो जिहड़े साडे साथी है जिन्हां ने दस्सिया कि असीं उधरलियां 5 रोडां रोकांगे,
तां समझ लो कि जिहड़ियां पंजाब तो भी जिन्नियां सड़कां दिल्ली नूं जांदियां वह चाहे कोई मेन है चाहे कुछ भी है सारे पासिआं तों असीं मतलब दिल्ली नूं कट देंगे और एड्डी वड्डी गिणती दे विच मतलब साडा पंजाब दा किसान अंदोलन दे विच जाण वास्ते तैयार है। चार चार महीने पांच पांच महीने का राशन लेके जा रहे हैं। कोई यह नहीं है कि रस्ते दे विच किते साडा मतलब रुकन दे कोई चांस ही नहीं होणगे। आज जो आंदोलन हो रहा है हम दो हिस्सों में बांटा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मोदी ने बोला था कोरोना को फायदा लेंगे, फायदा ले रहे हैं हम कोरोना में। हम गरीब को घर में घुसा दिया किसान को, और वो काला कानून बना के देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है, देश को किसान के साथ गद्दारी कर रहा है। 26 जब हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे पूरे हिंदुस्तान के बाकी जो 18-19 राज्य है वहाँ ग्रामीण आंदोलन होगा। 9 राज्यों तो ग्रामीण हड़ताल ऐलान किया, ग्राम में हड़ताल करें। देखिए ना ट्रेन चल रही है ना बस चल रही है कोई काम, फिर भी उन किसानों ने बनाया कि भाई दिल्ली ज्वाइन तो करना है जितने भी हम ज्वाइन कर सके। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है क्योंकि पूरे देश के किसान पे मार है। और जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है कोई इलाका कोई हिस्सा थोड़ा आगे चलता है, दूसरे उससे प्रेरणा लेते हैं। पंजाब के किसानों ने आज पूरे देश के किसानों को रास्ता दिखाया है, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, उन्होंने रास्ता दिखाया है। लेकिन ये ज्योति सारे कोने कोने तक पहुंच के रहेगी। साडा आंदोलन जारी है, जे ओ सानू बुलाउणगे फिर असीं गलबात लई जावांगे। नहीं जे जे कोई बुलाएगा तां असीं अपने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। असीं ए नहीं उड़ीकदे वी सानू ओह गलबात दा सद्दा देणगे, आंदोलन की तैयारी उदों करांगे। तैयारी साडी नहीं, हाले फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, जारी रहेगा आंदोलन, वापस नहीं होएगा। अगली खबर पंजाब दीआं खबरां दे विच किसानां दे संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई है। पिछले दिनी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफ़ी निराशा जिहड़ी उह जताई सी किसानां दे फैसले तों, कि किसानां ने कहा सी कि माल गड्डियां जदों चलाऊगी केंद्र फिर असीं यात्री गड्डियां चलण बारे सोचांगे। कैप्टन साहब ने कहा सी कि मैं बड़ा निराश हाँ किसानां दे इस फैसले तों, मैनूं लगदा सी कि पंजाब दे भले लई उह यात्री गड्डियां चलाउण दी इजाजत वी दे देणगे। इस ते किसानां दा प्रतिक्रम आया, कहिंदे ने कि कैप्टन साहब नूं मोदी सरकार वल्लों माल गड्डियां बंद करन ते तां कोई अफसोस नहीं, पर किसानां दे वल्लों खेती बिल रद्द कराउण दे लई यात्रू गड्डियां ना चलण देण दा बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। ते कैप्टन साहब ने जिहड़े ओह वी मोदी सरकार दे इशारे ते ही चल रहे ने। ते जे पंजाब दे विच संघर्ष दी गल कर लईए तां सारे किते जिथे जिथे मोर्चे पहले दिन तो लगे हुए सी सारे किते मोर्चे लगे हुए ने। जिहड़े रेलवे स्टेशनां ते मोर्चे लगे सी उह रेलवे ट्रैक तो तां हुण 22 अक्तूबर तो हटे हुए ने। उह नाल ही रेलवे स्टेशन दे होर एरिया दे विच किते पार्क दे विच किते रेलवे स्टेशन दे बाहर इस तरह दे नाल किसानां दे धरने लगातार जारी ने। टोल प्लाजे सारे बंद ने पंजाब दे विच मुकम्मल तौर ते, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਦੋ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਈਏ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਸਮਾਨ।
दिल्ली जाने दी तैयारियां साडियां मामा ते भैणां वड्डे पद्धर च वड्डी गिणती च साडियां मामा ते भैणां लगियां होईयां ने राशन इकट्ठा करना। ये बहुत वड्डा चपेड़ है मोदी सरकार दे मूंह ते जिहड़ियां साडियां मामा भैणां एड्डी वड्डी मेहनत च कल वड्डा कट संगरूर दे अंदर कीता अज सारे काम छड्ड के दिल्ली दी तैयारी च लगियां होईयां ने। इत्थों जान लैणा चाहीदा सरकार नूं भी थोड़ा बनूगा की आने वाले समय च वड्डी मिसाल है। यह सारे पिंडां च लागू करनी चाहीदी है सारे पंजाब दे अंदर भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां वल्लों जिहड़ी इह मुहिम है घराचों दे विचों चली है सारे पंजाब च चले। ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों भी दिल्ली घिराओ करन लई पूरी जिहड़ी योजना है वह कीती जा रही है। पिंडां दे विच तूफानी दौरे ने जिहड़े उह शुरू कर दित्ते ने लीडरशिप दे वल्लों जथेबंदी दी लीडरशिप दे वल्लों सरवण सिंह पंधेर दी अगवाई दे विच मजीठा कथू नंगल ते तरसिक्का जोनां दे विच किसानां दे वड्डे इकट्ठ करके तैयारी है जिहड़ी उह शुरू करवाई गई। सारी प्लैनिंग कर ली गई है कि किहड़ा मोर्चा किहड़े शहर तों किहड़े किसान किन्ने वजे चलणगे। हालांकि इन्हां ने ऐलान कर दिता सी कि 26 नवंबर नूं पहला जिहड़ा जथा है दिल्ली नूं रवाना होएगा तरन तारण तों। इस मौके लीडरां ने कहा कि कैप्टन सरकार जिहड़े कारपोरेटां नूं सद रही है वह भी निजीकरण दीआं नीतियां दा हिस्सा है। दिल्ली धरने विच कैप्टन ने कहा सी कि मैं कारपोरेटां दे नाल लड़न आया ते दूजे पासे कैप्टन सरकार ते कांग्रेस मोदी सरकार नूं अंबानी अडानी दस के भंडदी है ते झोने दे झाड़ विच ओह कहिंदे 25% वाधा होया ते 35 लाख मीट्रिक टन झोना वध आया इह सरकार कह रही है क्योंकि वह कहिंदे ने कि सही नहीं है पंजाब दे विच इन्ना झोने दा झाड़ है जिहड़ा वह वधिया नहीं है। ये जिहड़ा बाहरों जिहड़े यूपी बिहार तो किसानां दी लुट करके व्यापारियां ने झोना लिआंदा हैगा उहदे करके पंजाब दे विच झोना जिहड़ा उह वधिया है उहदा झाड़ वध दिखाया गया। उन्हां ने यह भी मंग की कि कैप्टन सरकार 40 करोड़ रुपये खर्च के खादां जरूरी वस्तां ते व्यापारियां दा समान है जिहड़ा उह सड़की आवाजाई राहीं ट्रकां दे राहीं भेजे। दिल्ली दीआं तैयारियां दी पूरी जंगी पद्धर ते तैयारी हो रही है पूरे सिखरां ते प्रोग्राम चल रहा। आ तरसिक्का जोन ये अमृतसर जिले के मैते लागे इलाका लगता सो ये बहुत वड्डा कट तुसी वेख रहे हो बहुत वड्डे पद्धर ते पिंडां तों किसान मजदूर इत्थे आके पहुँचे आ। जिस किस्म दा रवैया केंद्र सरकार दा वा इहनूं ध्यान विच रखदिआं आम जनता नूं अपील आ वी उह पिंड पिंड घर घर इह गल पहुँचा के पूरे जोर शोर नाल तैयारी करो तां जो हज़ारां हज़ारां दी गिणती विच जिहड़ा वा वो इत्थों पिंडां चों किसानां मजदूरां नूं दिल्ली वल नूं रवाना किया जा सके। केंद्र ते पंजाब दीआं सरकारां दोवें पंजाब दे किसानां नूं मारी आ मारू ने तो किते भुलेखा ना रखे रखियो। सो इस करके आपां दिल्ली दीआं तैयारियां पूरियां जोरां शोरां च करनियां ते समें दीआं सरकारां नूं मूँह तोड़वा जवाब देना ते खेती दे कानून 3 रद्द कराने। पंजाब दीआं खबरां दे विच अगली खबर है कि बीजेपी के पंजाब लीडर हरजीत करेवाल ने श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह तो अद पचद्दी माफ़ी है जिहड़ी उह मंग लई है। गरेवाल ने कुछ निजी टीवी चैनलों के उत्ते माफ़ी मंगी है कहा सी उन्होंने जथेदार श्री अकाल तख्त साहब न मानसिक तौर पर बीमार तो इस शब्द के लिए गरेवाल ने माफ़ी मंग ली है। पर जिहड़े दूसरे कहिंदे मैं बयान दिता सी कि जथेदार साहब अकाली दल की बोली बोल रहे हैं उन्होंने लिए मैं कोई भी माफ़ी है जिहड़ी उह नहीं मंग रहा उस गल ते मैं हले भी कायम हाँ। ये भी इल्जाम लाया कि श्रोमणी अकाली दल दे लीडरां ने गुंडियां ने मेरे दफ्तर उत्ते हमला किया पर मैं इन्हां तों डरन वाला नहीं हाँ। ये भी खुलासा किया कि अकाली दल दे लीडर बड़े पाप करते रहे ने पर असी भावें इन्हां दे नाल गठजोड़ विच सीगे पर असी इन्हां दे पापां दे विच भागीदार नहीं सीगे। उन्होंने जथेदार साहब नूं फिर नसीहत दे दित्ती है माफ़ी भी मंगी है नसीहत भी दे दित्ती है कि जथेदार साहब पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हैं इस करके सारिया पार्टियां के जिहड़े सिख लीडर ने उन्हां बारे उन्होंने सोचना चाहिए सिर्फ एक परिवार की पुश्त पनाही नहीं करनी चाहिए। गरेवाल ने कहा कि EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਪੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਠੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ। 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ, ਮਾਰਬਲ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਆਟੋ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
अगली खबर है 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी कतल ते अगवा मामले दे विच गंभीर दोषां दा सामना कर रहे साबका डीजीपी सुमेत सैणी नूं धारा 364 विच मिली अगाऊं जमानत रद्द करन बारे सुनवाई हुण फिर टल गई है। 11 मई नूं मोहाली अदालत ने सैणी नूं वड्डी राहत दिंदिया अगाऊं जमानत दी अर्जी मंजूर कर ली सी। अदालत ने उस मौके साबका डीजीपी नूं हुक्म दित्ते सी कि उह पुलिस जांच विच शामिल होवे ते अदालत नूं दस्से बिना अपने घर तों बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा बशर्ते कि उसनूं कोई मैडिकल एमरजेंसी ना होवे। सरकारी वकील ने दस्या कि सुमेद सैणी ने अदालत दे इन्हां हुक्मां दी पालना नहीं कीती, सिट नूं दस्से बिना ही घरों गायब हो के अदालत दे हुक्मां दी उलंघना कीती, जिस तों बाद उस दी जमानत रद्द करन दी मंग कीती गई है। सुनवाई दौरान सैणी वल्लों पंजाब सरकार अते पीड़ित परिवार वल्लों लाए इतराज़ां बारे अपना लिखती पक्ष नहीं रख्या गया, सगों उक्त कार्रवाई लई इह कह के होर मोहलत मंगी कि साबका डीजीपी दी पक्की जमानत बारे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अपना फैसला राखवां रख्या गया। सुप्रीम कोर्ट दा फैसला आउण तों बाद ही मैं अपना जवाब दायर करांगा। सो इस तरह दा नाल बिहेव है जिहड़ा उह कर रिहा सुमेद सैणी। अदालत ने दोवां तरहां दीआं दलीलां सुण तों बाद सरकार दी अर्जी उत्ते केस दी अगली तरीक 3 दसंबर निर्धारित कर दित्ती है। दरअसल सुमेद सैणी दी जमानत रद्द करन दे लई सरकार ने इह पटीशन पाई है। उधर श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर दलजीत चीमा ने कांग्रेस सरकार दे वल्लों सरकारी खर्चे दे उत्ते अखबारां दे विच इंदिरा गांधी दे जन्मदिन मौके लाए इश्तिहारां ते नाराजगी जाहिर कीती है। कहा कि बहुत अफसोस दी गल है कि एक पासे साडी सरकार कोल बच्चियां दीआं फीसां लई, गरीबां नूं राशन देण लई, शगन स्कीम देण लई, मुलाजमां नूं तनखाहां देण लई पैसे नहीं हैगे, पर दूसरे पासे इंदिरा गांधी दे जन्मदिन ते लखां रुपयां दे इश्तिहार ने जिहड़े उह सरकारी खर्चे ते पंजाब दीआं अखबारां नूं धड़ाधड़ दित्ते गए। पंजाबियां नूं ते सिख कौम नूं याद करवाया गया कि श्री दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब ते हमला किहने करवाया सी ते सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़कण वाली गल है। उन्हां कहा कि जे कांग्रेस ने जरूरी इश्तिहार लाने ही ने तां अपनी पार्टी दे खर्चे ते लावे, सरकारी खर्चे ते ना लावे। कहिंदे सरकारी खर्चे विच्चों तुसीं उस साबका प्रधानमंत्री दे नां ते लखां रुपए दे इश्तिहार दे रहे हो जिन्हें पंजाब ते सिख कौम ते वड्डा जुलम कीता है। विवादित पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर तो विवादां दे विच है ते विवादां दे विच इस बार मुर्गियां ने फसाया सिद्धू मूसेवाले नूं। दरअसल एक नवा गीत आया है सिद्धू मूसेवाले दा, उस गीत दे बोल नहीं बल्कि गीत दे विच फिल्माए गए एक दृश्य ने हुण सिद्धू मूसेवाले नूं विवादां दे विच फसा दिता है। विवाद इस करके होया क्योंकि गीत दी वीडियो दे विच दो मुर्गियां दी लड़ाई दिखाई गई है, जिस तों बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कारण दसो नोटिस भेजा सिद्धू मूसेवाले दे गीत नूं तैयार करन वाली सारी टीम नूं। बोर्ड ने ट्रू मेकरस एंड गोल्ड मीडिया एंटरटेनमेंट नूं कारण दसो नोटिस जारी करदिआं पुछिआ कि बोर्ड वल्लों NOC लए बिना गीत विच कॉक फाइट यानी कि कुकड़ां दी लड़ाई किवें विखा दित्ती गई। नोटिस जारी करदिआं होइआं 7 दिनां दे विच लिखती अर्जी मंगी है, स्पष्टीकरण मंगिआ है ते मुर्गियां दी लड़ाई विखाउण नूं लै के चंडीगढ़ दे प्रोफेसर डॉक्टर पंडित राव तरेनवर ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया नूं इह शिकायत कीती सी, जिहड़े कि अक्सर ही पंजाबी गायकां नूं आड़े हत्थी लैंदे रहिंदे ने। प्रोफेसर पंडित राव कदे अश्लील बोलां नूं लै के, कदे हथियारां नूं लै के, नशिआं नूं प्रमोट करन नूं लै के पंडित राव तरेनवर ने जिहड़े उह इन्हां गायकां दी खिचाई करदे रहिंदे ने। प्रोफेसर पंडित राव ने सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दे हुक्मां दा हवाला दित्ता है, कहा कि हाई कोर्ट ने DGP दी जिम्मेदारी तय कीती सी कि पंजाब दे विच हथियारां, अश्लीलता, नशियां ते हिंसा नूं बढ़ावा देण वाले गीत गाउण वालियां ते कार्रवाई कीती जावे। मूसेवाले दे हुणे आए गीत बाई बाई दी वीडियो दे विच कुकड़ां दी लड़ाई दिखाई गई है, जिथे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लाई है। इस लई उन्हां ट्रू मेकरस ते गोल्ड मीडिया एंटरटेनमेंट खिलाफ FIR दर्ज करन दी शिकायत कीती सी। अगली खबर है कि चंडीगढ़ दे विच 19 तरीक तो सैर सपाटे वालियां थावां खुल गईयां ने ते चंडीगढ़ प्रशासन ने दिल्ली NCR तो आउण वाले लोकां दे उत्ते एक नवी अहम एडवाइजरी भी जारी कर दिती है। दिल्ली NCR यानी कि दिल्ली, नोएडा ते गुड़गांव तो कोई भी जे चंडीगढ़ आएगा तो उहदे लई नवें हुक्म यह हैगे ने कि दिल्ली तो चंडीगढ़ आने वाले यात्री जेकर किसी के घर जां चंडीगढ़ विच किसी नूं मिलदे ने तां 6 फुट की दूरी लाजमी है। चंडीगढ़ विच किसी के घर रुकते ने तो मास्क पाउणा जरूरी होगा घर दे विच भी, ते दिल्ली तो आने वाले लोगों नाल घट्टो घट संपर्क रखन दे हुक्म दिते गए ने। दिल्ली तो बस जरिए जिहड़े पहुँचणगे उन्हां दा सैक्टर 17 पहुँचण ते मुफ्त कोविड टैसट होएगा। जेकर कोई दिल्ली तो आने वाले शख्स नूं अपने दफ्तर बुलाउंदा है तां वी इह नियम लागू होएगा। दिल्ली तो आने वाले शख्स नूं जे कोई सिम्पटम नज़र आउंदा है कोरोना वायरस दा तां उहनूं अपने आप कोविड-19 दा टैसट करवाउणा होएगा।
चंडीगढ़ प्रशासन वालों सैक्टर 17, सैक्टर 22, सैक्टर 45 दे विच मुफ्त कोरोना वायरस के टैस्ट की सहूलत दी गई है। चंडीगढ़ PGI के डायरैक्टर ने भी कहा सी कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है। कोरोना वायरस नूं लैके दिल्ली तो भी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनतक थावां ते मास्क ना पाउण वाले लोगों का जुर्माना हुण 500 रुपए तो वधा के 2000 रुपए कर दिता है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं सारिया जिहड़ियां धार्मिक सियासी जां फिर समाजिक पार्टियां जथेबंदियां नूं अपील करदा कि उह लोकां नूं सड़कां दे उत्ते मास्क जरूर वंडन, जिहड़े कि नहीं लै सकदे मास्क उहनां नूं वंडे जाण, क्योंकि मास्क पाउण दे नाल करोना वायरस की महामारी ते काफ़ी हद तक आपां कंट्रोल कर सकदे हां। नाल ही दिल्ली दे विच मुख्यमंत्री ने छप्पड़ां झीलां ते नदियां वर्गियां जनतक थावां ते छठ पूजा मनाउण दी मुकम्मल पाबंदी ला दित्ती। अपील कीती है कि लोक घरां दे विच ही इस तिहार नूं मनाउण। इस दे नाल ही विआहां दे विच हुण लोकां दी गिणती दिल्ली दे विच 200 तों घटा के 50 कर दित्ती है। हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की काफ़ी झाड़झाम की इस मसले को लैके कि 18 दिन क्यों लग गए विआहां दे विच लोकां दी गिणती निर्धारित करन दे लई। हुण तक तां COVID-19 दे नाल इस तुहाडे नियम दे कारण किन्ने लोक जान गवा भी बैठे होणगे। खबर जलंधर तो है जिथे अपने मरहूम पति की मौत तो 2 साल बाद उस ही दिन खुद नूं फाहा ला के जलंधर की रहण वाली औरत ने खुदकुशी कर ली। घटना का दर्दनाक हिस्सा यह है कि औरत का विदेश विच रह रहा पुत अपनी मां नूं लाइव वीडियो कॉल ते अपनियां अखां दे नाल मरदे हुए देख रहा सी। जदों उसदी मां तरसेम कौर ने अपने पुत्तर नूं वीडियो कॉल लाई ते उस दौरान वह खुदकुशी करन लगी तां पुत्तर ने झट गुआंढियां नूं फोन भी किया, पर गुआंढियां दे आउण तक मां की मौत हो चुकी सी। दरअसल तरसेम कौर नां दी औरत ने घर अंदरों चुबारे नूं जांदियां कहिंदे उन्हां पौड़ियां नूं ही लटक के फाहा लिया सी जिथे 2 साल पहला इसे दिन उसके पति की डिग के मौत हुई सी। पति सेवा मुक्त इंस्पैक्टर सी मलकीत सिंह काजला। तिने बच्चे इन्हों के अमरीका के कैनेडा दे विच रह रहे सी। पति की मौत तो बाद ते बच्चियां दे विदेश जान तो बाद औरत कहिंदे डिप्रैशन दे विच रहिंदी सी। इह गुआंढियां ने दस्या कि वह दवाई भी लगातार खा रही सी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पुत्र रणिंदर सिंह जलंधर विच ईडी दे दफ्तर आखिरकार पेश हो गए। एडवोकेट जयवीर सिंह शेरगिल ते चेयरमैन तजिंदर सिंह बिट्टू भी उन्हां दे नाल ईडी दफ्तर गए। रणिंदर सिंह सवेरे 11:05 ते ईडी दफ्तर पहुँच गए सी ते लगातार 6-7 घंटे ईडी वल्लों रणिंदर सिंह तो पुछगिछ की गई। रणिंदर सिंह तो विदेशी बैंक खात्यां ते विदेशी कंपनियां दी मालकी ते भाईवाली बारे पुछगिछ की गई। हालांकि बहुत सारे वेरवे तो हाले नहीं मिल सके कि कुछ सवाल पुछे गए ते की जवाब दिते गए, पर एक लंबी पुछगिछ हुई है मुख्यमंत्री दे पुत्तर तो। अगली खबर दिल्ली की सिख सियासत दे नाल जुड़ी हुई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 2 मैंबर हरिंदरपाल सिंह ते जतेंद्र सिंह सानी ने श्रोमणी अकाली दल तो अस्तीफे दे दिते ने अते अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं अस्तीफे भेज दिते ने। हालांकि दोवें लीडरां ने हाले कोई होर पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हरिंदरपाल सिंह ने कहा कि कुछ दिन आराम करके ते साथियों की सलाह मशवरे तो बाद ही मैं अगला कदम पुटांगा। जतेंद्र सिंह सानी पहला भी दल बदलियां करते रहे हैं ते हुण इन्हां दी सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी दे विच जाण दी चर्चा है। चंडीगढ़ दे विच यूटी दे उच्च सिक्ख्या विभाग ने शहर दे सरकारी ते प्राइवेट कॉलेज 23 नवंबर नूं खोलण दी मंजूरी दे दित्ती है। तकनीकी संस्थावां भी इसे दिन खोल दित्तियां जाणगियां। प्रशासक VP सिंह बदनौर ने यह मंजूरी दित्ती है, पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने हाल दी घड़ी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखने का फैसला लिया, जिस तों बाद शहर दे कॉलेजां दे प्रिंसीपल दुचित्ती विच ने कि उह पंजाब यूनिवर्सिटी दी मन्नण जां फिर सिक्ख्या विभाग दी मन्नण। इस दे नाल ही सिक्ख्या विभाग कोल 2 लाइब्रेरियां चलाउण दा प्रबंध भी है ते विभाग ने हुक्म जारी करके सैक्टर 17 ते सैक्टर 20 दी लाइब्रेरी भी 23 नवंबर तो खोलण दे हुक्म जारी कर दिते ने। शहर दीआं सारीआं पब्लिक लाइब्रेरियां भी हुण खोल दित्तियां जाणगीआं। हुक्मां दे विच इह भी कहा गया कि हाले सिर्फ पोस्ट ग्रैजुएट ते अंडर ग्रैजुएट दे आखिरी साल दे 50% विद्यार्थी ही कॉलेज आउणगे, जिन्हां दी गेट ते थर्मल स्क्रीनिंग कीती जाएगी। हर एक नूं मास्क पाउणा जरूरी कीता गया। कॉलेजां दे विच खेडां ते होर उहनां गतिविधियां जिन्हां दे विच इकट्ठ हुंदा है उह हाले नहीं करवाईआं जाणगियां। विद्यार्थियों को ग्रुपां दे विच पढ़ाया जाएगा। कॉलेज आउण ते जाण वाले विद्यार्थियों का समा भी वख-वख रख्या जाएगा तां कि भीड़ ना लगे। इस दे नाल ही उच्च सिक्ख्या विभाग ने कॉलेजां दे होस्टल भी 1 दिसंबर तो खोलण की आग्या दित्ती है, पर इह प्रिंसीपलां दे उत्ते निर्भर होएगा कि उह किहड़े विद्यार्थी नूं होस्टल देणगे। इस दे नाल ही प्रिंसीपलां नूं कॉलेजां दे विच ढुकवें प्रबंध करन लई भी कह दिता गया ते होस्टल देण तों पहलां विद्यार्थियों की सेहत की जाँच नूं जरूरी कर दिता गया। पंजाब दे बुलेटिन दे विच 1-2 खबरां असीं तुहानू भारत अते दुनिया दीआं वी दस दिंदे आं। पटना तों खबर है जिथे बिहार दे नवें बणे सिक्ख्या मंत्री सिर्फ कुछ ही मिंटां लई मंत्री रहे। उन्हां ने 19 नवंबर नूं ही सिक्ख्या मंत्री दा अहुदा संभालिया ते तुरंत उन्हां नूं अस्तीफा देना पिया।
मेवा लाल चौधरी सिक्ख्या मंत्री बने से बिहार के नवे इन्हें खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विच वीसी के अहदे ते रहिंदे होए नियुक्ति दे विच घोटाले का दोष है। सबका आई पी एस अमिताभ दास ने दोष लाया कि मेवा लाल की पत्नी सबका विधायक नीता चौधरी की शक्की मौत के तार नियुक्ति घोटाले संबंधित हो सकते हैं। अमिताभ दास ने इस मामले की जांच लई डी जी पी नूं पत्र भी लिखा है। तो इस घोटाले दे विच नाम आने तो बाद मेवा लाल चौधरी नूं तुरंत ही अपने अहुदे तो अस्तीफा देना पिया। तो उधर दिल्ली दे विच JNU हिंसा दे विच दिल्ली पुलिस ने अपने आप नूं क्लीन चिट दे दित्ती है। 5 जनवरी 2020 नूं दिल्ली की जवाहर लाल नहरू यूनिवर्सिटी विच हुई हिंसा दौरान स्थानिक पुलिस की अणगहली ते घटनाक्रम बारे दिल्ली पुलिस की तत्थ भाल कमेटी ने पुलिस नूं क्लीन चिट दे दित्ती है। इंडियन एक्सप्रैस की खबर के मुताबिक लोहे दियां राडां दे नाल लैस लगभग 100 नकाबपोशां दे हजूम ने यूनिवर्सिटी विच दाखल होकर कैंपस दे विच लगभग 4 घंटे तक हिंसा का तांडव किया। विद्यार्थियों अध्यापकों ते अमले समेत 36 जणियां नूं जख्मी कर दिता सी। उस वक्त FIR दर्ज करके मामला क्राइम ब्रांच नूं सौंप दिता गया सी। हालांकि हाले तक इस मामले विच कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगली खबर पाकिस्तान तो है जिथे अतवाद विरोधी अदालत ने मुंबई हमलों के मुख्य साजिश घाड़े और जमात उद दावा के मुखी हाफिज सईद नूं अतवाद नाल संबंधित दो होर केसां दे विच 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र वालों दहशतगर्द ऐलाने सईद दे सिर ते अमरीका ने $1 करोड़ का इनाम रखिया ते उसनू पिछले साल 17 जुलाई नू दहशतगर्दा नू फंडिंग केसां दे विच गिरफ्तार किया गया सी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR के सवालों को अंतिम रूप दिता जा रहा है। जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI ने द हिंदू नू सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब विच दित्ती है। RGI ने दसिया कि NPR के सवालों के शड्यूल नू अंतिम रूप दिता जा रहा है। जनगणना 2021 के पहले चरण के बारे हाले जानकारी उपलब्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर तो वड्डी खबर है जिथे जम्मू शहर के बाहर बार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उत्ते 19 नवंबर की सवेर में सलामती दस्तियां नाल होए एक मुकाबले दे विच जैश ए मुहम्मद के 4 दहशतगर्द मारे गए। जानकारी मुताबिक 4 दहशतगर्द एक ट्रक विच सफर कर रहे सी। इस दौरान सलामती दस्तियां ने शाहरा ते नगरोटा नेड़े बाण टोल प्लाजा ते ट्रक नूं रोकिया। तो कथित दहशतगर्दा ने पहला ग्रेनेड सुटिया ते पिछों फायरिंग शुरू कर दी। दुवली गोलीबारी दे विच जैश दे 4 कथित दहशतगर्द मारे गए जबकि पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। दुनिया दे खबरां दे विच अमरीका तो खबर है जिथे COVID-19 नाल मरन वालों की गिणती 2.5 लाख तो पार पहुँच गई है। तो अमरीका दे विच कोरोना वायरस के मामले हुण फिर तो वध गए ने। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक हुण तक 1.15 करोड़ तो वध कोरोना के केस अमरीका दे विच दर्ज किए जा चुके ने अते कोविड नाल मरन वालों की गिणती वध के 2,50,537 हो गई है। तो कोरोना की वैक्सीन बनाउण दे विच लगी दवाई कंपनी फाइजर ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन 65 साल तो वड्डी उम्र के लोगों ते भी 95% कारगर है। फाइजर ते बायोटेक मिल के ए वैक्सीन बना रहे ने। कंपनी मुताबिक तीजे फेज दे चल रहे ट्रायल्स दे विच उन्हां नूं जो नवे अंकड़े मिले ने उन्हां दे आधार ते असीं कह सकदे हां कि वैक्सीन सारियां उमरां ते नसलां दे लोगों दे उत्ते इकसार असर दिखा रही है। ते पूरी दुनिया दे विच लगभग 41,000 लोगों दे उत्ते इस दी परख करन तो बाद ओह इस नतीजे दे उत्ते पहुंचे ने कि उन्हां दी वैक्सीन 90% कारगर है ते सुरक्षित है। जेकर सब कुछ ठीक रहा तो फाइजर ते बायोएनटेक वालों विकसित कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी क्रिसमस तो पहला शुरू हो सकती है यानी कि इस साल की क्रिसमस तो पहला। फाइजर वालों तैयार वैक्सीन ट्रायल के तीजे ते आखिरी गेड़ मगरों कोरोना मरीजों के उत्ते 90% असरदार दसी जा रही है। खास खबरों के बुलेटिन के विच हुण तुहाडे सब तो इजाजत चाहते हैं। तो होर खबरों के नाल अज पूरा दिन थानू मिलते रहेंगे। तुसी सारे अपना ध्यान रखियो, लोड़वंदां की मदद करते रहा करो। किसानों के संघर्ष के विच जिवें दा भी तुसी तिल फुल योगदान पा सकते हो जरूर पाओ, क्योंकि किसानों ने दिल्ली जाण दा ऐलान पक्के तौर पर कर दिता है। तो वह भी 4-5 महीनों का राशन उन्होंने इकट्ठा किया, यानी कि संघर्ष है वह लंबा होने वाला है। धन्यवाद।